कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है और भारत ने कई देशों तक कोरोना वैक्सीन को पहुंचा दिया है, जिसके लिए अमेरिका ने भी भारत के योगदान को सराहा है। लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत को थैंक यू कहने के साथ एक ऐसी तस्वीर डाली जो वाकई में हर भारतीय का सीना चौड़ा कर देगा। त्रेता युग में वीर हनुमान प्रभु श्री राम की आज्ञा पर भाई लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी के लिए द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए थे। इस कलयुग में कोरोना के खिलाफ भारत विश्व गुरु बनकर उभर चुका है। केवल अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन रूपी संजीवनी भेज रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, उसे ब्राजील के राष्ट्रपति ने शेयर की है। तहे दिल से भारत को धन्यवाद दिया है। ब्राजील में कोरोना से हालात खराब हैं। 2,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील ने चाइनीज वैक्सीन मंगवाई थी जो सिर्फ 50% असरदार है, इसलिए अब ब्राजील ने भारत का रुख किया। कल कोविशील्ड वैक्सीन की 20-20 लाख डोजेज लेकर 2 फ्लाइट्स ब्राजील और मोरक्को के लिए रवाना हुई। भारत के इसी सहयोग के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनोखे अंदाज में धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर हनुमान जी की फोटो लगाई, संजीवनी बूटी के तौर पर भारत की कोरोना वैक्सीन को दिखाया और फिर लिखा, धन्यवाद भारत। वैसे ब्राजील के प्रेसिडेंट ने उस वक्त भी संजीवनी बूटी का जिक्र किया था जब भारत ने पिछले साल ब्राजील को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भेजी थी। ब्राजील ही नहीं, दुनिया के तमाम देश भारत से वैक्सीन की उम्मीद लगाए बैठे हैं और भारत ने भी खुले दिल से दूसरे देशों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। कोरोना वैक्सीन पर भारत के योगदान की अमेरिका ने भी जमकर तारीफ की। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने भारत की खुले दिल से सराहना की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज नेपाल को, 20 लाख डोज बांग्लादेश को, म्यांमार को 15 लाख डोज, मॉरिशस को 1 लाख डोज, सेशल्स को 50,000, भूटान को 1.5 लाख और मालदीव को 1 लाख डोज भिजवाई जा चुकी है। साथ ही श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी कोरोना वैक्सीन भेजने की तैयारी है, बस इन दोनों देशों से हरी झंडी मिलने की देरी है। हमारी वैक्सीन का इस्तेमाल ब्राजील, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में वहाँ के लोगों को देकर किया जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश, विशेषकर पड़ोसी देश, उनको हमारे देश की वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जा रही है। दुनिया के बहुत सारे देशों की डिमांड है कि वैक्सीन भारत की हमें मिलनी चाहिए। देश में अभी कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज चल रहा है, जिसमें अब तक 7 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। दूसरे फेज में सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि दूसरा फेज कब से शुरू होगा, लेकिन दूसरे फेज की गाइडलाइंस तय है। इस फेज में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों समेत कई वीवीआईपी को टीके लगेंगे, क्योंकि सबकी उम्र 50 से अधिक है। 3 महीने के बाद पश्चिम बंगाल